Hello people, it's me Shan. Thank you so much for clicking on this video and welcome to my channel. Today we are going to talk about Yamla Pagla Diwana phir se official trailer. Yes, Yamla Pagla Diwana phir se aa rahi hai. Ye third part hai movie ka and third hi hai na? Yamla Pagla Diwana, Yamla Pagla Diwana 2, Yamla Pagla Diwana phir se. Yeah, third hi hai part hai. And आई डोंट नो क्यों मैं इस मूवी में अपने को भी गिन रहा था. आई डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. बट ओके, यू नो यमला पगला दीवाना एक्चुअली इज अ गुड सीरीज. मैंने मतलब इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसके बारे में मैं ये सब बातें कर चुका हूँ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए. ऑफिशियल टीजर आया था जब यमला पगला दीवाना फिर से का, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी. जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन वॉच इट. अब ये ऑफिशियल ट्रेलर आया है. टीजर मुझे अच्छा लगा था, इट वॉज फनी, उसमें एक्शन था, कॉमेडी अच्छी थी एंड उसमें सलमान खान का कैमियो था. So, ज़्यादा बात नहीं करते, but let's watch it, कि इसमें और ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कितना फनी हो सकता है एंड सलमान खान का कैमियो फिर से देखने को मिलेगा या नहीं. सो लेट्स वॉच इट. इट्स 2 minutes and 51 seconds लॉन्ग. यमला पगला दीवाना फिर से ऑफिशियल ट्रेलर. Here we go. तुम चाहते हो ये केस लड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ गुजरात चलूं? मुझे कोई इतराज नहीं यार, लेकिन वहाँ की क्लाइमेट बड़ी ड्राई है. पर मैंने तो सुना है वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है. अबे उल्लू, आबो हवा अच्छी है लेकिन क्लाइमेट बहुत ड्राई है. और तेरी दारू का इंतजाम मैं कर दूंगा. क्लाइमेट बहुत ड्राई है भाई. इस एज में चालीस का थोड़ी, मैं तो 39 का हुआ. क्या फर्क पड़ता है, एज इज जस्ट अ नंबर यार. आप लोगों को गुजराती होने का नाटक करना होगा. जलसावा सनी बाजी तो मतलब एंटरटेनमेंट मार्केट में ऐसी न्यूज है कि आप बेहतर अफसराएं दिखाई देती. Oh my god. Very nice, yeah. ओए हाँ जी, यमला पगला दीवाना फिर से के सारे गाने सारे गवा म्यूजिक YouTube चैनल पर रिलीज होंगे जी. तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन को ऑन कर. यस, क्योंकि कोई भी गाना मिस नहीं होना चाहिए जी. भाजी बिल्कुल, सनी पाजी कुछ कहते हैं चुपचाप मान लेना चाहिए. ये ट्रेलर देखने के बाद भी अगर बात नहीं मानी तो बॉस ऐसे ही धुलाई होगी फिर. मतलब सनी देओल का एक्शन बाप रे, लाइक मतलब सनी देओल को शुरू से लाइक इट्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड. सनी देओल का कोई भी एक्शन सीन आता है तो इट गेट्स यू सो पम्प्ड अप. मतलब ऐसा इट इज सो बिलीवेबल, लाइक सनी देओल की पर्सनैलिटी एंड हिज एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग, कि बंदा ये कर सकता है, वो एक साथ 100 बंदों को फेंक सकता है उठा के. दैट इज सनी पाजी, सिंपली अमेजिंग है. जो इसमें कॉमेडी है वो बहुत अमेजिंग है एंड आई लव दैट इन्होंने असरानी को इंक्लूड किया है इसमें. ही इज सच अ ग्रेट एक्टर. कॉमेडी टाइमिंग इज सुपर्ब ऑफ यू नो मिस्टर असरानी. लाइक एक छोटी सी एक से पूरा सेंटेंस भी नहीं है मतलब. एंड ही इज जस्ट सेइंग
ये की रोला पाया है ना, रोला पाया मतलब गुजराती क्यों नहीं बोल रहा है. एंड ये बहुत ही छोटी सी सेंटेंस है, एंड इट इज सो डैम फनी बिकॉज असरानी इज सेइंग इट इन सच अ वे. सो ये ना ऐसे ऐसे एक्टर्स लाओगे तो यार फिर तो मजा आएगा ही आएगा. एंड आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी फनी. मुझे टीजर में भी बहुत मजा आया था एंड ट्रेलर बहुत अमेजिंग है. लाइक ये छोटे छोटे जो एसेंस होते हैं ना, तू जाएगा चीकू को लेने, मैं नहीं जाऊंगा चीकू को लेने, तू जाएगा नहीं, मैं तू जाएगा नहीं, तू जाएगा, तू जाएगा, सारी जोड़ी लाइक फोड़ डाला मैं जाऊंगा. सो ये छोटे छोटे जो यू नो सीन्स होते हैं, लाइक कितनी देर का सीन है, लाइक हार्डली 20 सेकंड का, लेकिन इट इज डैम फनी. तो यू नो ये सबसे अमेजिंग चीज लगती है मुझे इन मूवीज के बारे में, इट इज डैम फनी. एंड जिस टाइप की मूवीज होती हैं जो यू नो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती है एंड हंसती है, इसमें ड्रामा भी है, हंसती है, रोती है, पूरा एंजॉय करती है, इट इज लाइक फुल ऑन एंटरटेनमेंट, यू नो मसाला मूवी जिसे कहते हैं. इट इज गोइंग टू बी रियली एपिक. सलमान खान का कैमियो, पहले इफ आई रिमेंबर करेक्टली शायद जो टीजर में सलमान खान का कैमियो था उसमें डायलॉग अलग था सलमान खान का, इसमें अलग है. सो आई थिंक यू नो थोड़ा बड़ा रोल होगा सलमान खान का, मतलब इट विल स्टिल बी अ स्पेशल अपीयरेंस, लेकिन आई थिंक थोड़ी कन्वर्सेशन और ज्यादा होगी, लेट्स होप दैट. एंड रेखा जी, शत्रुघ्न सिन्हा, एंड आई मीन सोनाक्षी सिन्हा, कितने सारे यू नो फेसेस देखने को मिले इसमें. एंड ऑब्वियसली ये यू नो छोटे छोटे रोल्स होंगे खाली, जैसे रेखा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा विल ओनली बी इन अ सॉन्ग आई बिलीव, एंड शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ एक यू नो एक कोर्ट का सीन दिखाया सिर्फ उसमें होंगे. बट इट्स स्टिल सो डैम कूल कि इन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया टू मेक थिंग्स यू नो वे मच बेटर. सो आई रियली लव दिस आइडिया. एंड यमला पगला दीवाना पहले की भी मैंने बहुत इंजॉय करी थी. जो सबसे पहली वाली यमला पगला दीवाना थी वो मेरी फेवरेट है, सेकंड भी अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट में जो बात थी वो इट वाज सुपर, मुझे बहुत पसंद आई थी. एंड यू नो गाने तो जैसे सनीपा जी ने बोले हैं मैं कंप्लेन कर दूंगा, डाउनलोड करके सुन लेना, ठीक है, सब्सक्राइब करने को बोला है सब्सक्राइब कर लेना, सच में सनीपा जी धो डालेंगे. एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग कि मैं यू नो लिटिल लिटिल करके लीटर पी गया. एंड इट इज एक्चुअली यू नो ट्रू वेन इट कम्स टू धर्मेंद्र पाजी, लाइक क्यों पूरी पूरी लीटर पीनी पड़ेगी उनको, बिकॉज ही इज डैम धर्मेंद्र. वो पहले भी बोला गुजरात नहीं जाऊंगा, क्लाइमेट ड्राई है यार, समझो क्लाइमेट ड्राई है. सो इट इज सो डैम फनी. एंड ऑब्वियसली इसमें कृति खरबंदा है, एंड द वे शी वॉज यू नो जस्ट शाउटिंग एंड धमकी दे रही थी जैसे गुजराती में, शी वॉज लुकिंग डैम क्यूट मैन, डैम अडोरेबल. एंड कृति खरबंदा इज एक्चुअली अ रियली गुड एक्टर, आई रियली लव्ड हर इन शादी में जरूर आना एंड अतिथि इन लंडन. ऐसी मूवीज में कृति खरबंदा ने बहुत अच्छा काम किया है, सो प्लीज यू नो चेक दोज मूवीज आउट इफ यू हैवंट. एंड आई रियली लव दिस ट्रेलर. आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ये ट्रेलर. एंड अगर ये वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए इस वीडियो पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. एंड दैट्स इट गाइस. अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट, बाकी अदर सोशल मीडियाज पे, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. Tragedy, why?